नमस्कार और शुभ प्रभात। विश्व शांति संवाद माला में सभी साधकों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पसायदान, विश्वात्मक भगवान के चरणों में जो मांग की जा रही है, जो प्रसाद मांगा जा रहा है, उस पसायदान इस विषय पर मैं आपके साथ संवाद प्रस्तावित कर रहा हूँ। आज उसी पसायदान का अगला श्लोक। ये जो श्लोक है ये बहुत अहम महत्व रखता है पसायदान में। मराठी में जो श्लोक है, प्राकृत मराठी में लिखा हुआ, वो है, चला कल्पतरुण से आरव चेतना चिंतामणि से गाव बोलते से हर नव पीयूषा से। उसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है, कल्पतरु चले उद्यान से, कल्पतरु चले उद्यान से चेतना चिंतामणि का गांव बसे, लहरे बहे वाणी सागर से अमृत की। ये इतना महत्व क्यों रखता है ये श्लोक? उसकी पहली वजह यह है कि जो हम अवतार की कल्पना करते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ध्यान में रखना यह शब्द, सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूणाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। ये जो संभवामी युगे युगे है वो किस रूप में होगा, वो रूप कौन सा हो सकता है? आज के कलयुग में जब ये द्वापर युग का श्लोक हम पढ़ते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि ऐसा कोई हो भगवान जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है और चार हाथ हैं, चतुर्भुज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस तरह से भगवान अब नहीं आएंगे। अब भगवान का जो स्वरूप है वो हम कैसे समझें, और ये ज्ञान हमें इस पसायदान में, ये जो श्लोक आज हम चर्चा के लिए ले रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, और वो है कल्पतरु चले उद्यान से। ये कल्पतरु क्या है? ये कल्पतरु मतलब वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, ये कल्पतरु बात कर रहे हैं मनुष्य की, क्योंकि मराठी में लिखा है उसमें चला कल्पतरु कहा है, और मैंने जो अनुवाद किया उसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि कल्पतरु चले उद्यान से। आरव इस प्राकृत मराठी शब्द का हिंदी में अर्थ है उद्यान। और कल्पतरु कौन है फिर? ये पूरा जो विश्व है वो विश्व एक उद्यान है। उस मनुष्य की बात ज्ञानेश्वर जी यहाँ पे कर रहे हैं जो क्रिएटिव है, जो सर्जन है, जिसके अभिव्यक्ति में सृजन दिखाई देता है, इसलिए कल्पतरु शब्द उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जो कल्पना कर सकता है, ये वृक्ष ऐसा है जो चलता है, फिरता है, लेकिन वो कल्पना कर सकता है, और ये कल्पना करने की जो ताकत है, शक्ति जो है, इसे सृजाम्यहम्। ये सृजन क्या है उस आदमी का, मनुष्य का सृजन क्या होगा? ये जो शब्द यहाँ पे है कल्पतरु, ये आपके बारे में लिखा हुआ है, मेरे बारे में लिखा हुआ है, हम सभी के बारे में ये शब्द इस्तेमाल किया है कि मनुष्य होने के नाते हमारे बुद्धि में जो ताकत है, हमारी बुद्धि में जो शक्ति है कल्पना करने की, क्रिएटिविटी, उसकी आवश्यकता है। और इसलिए बार बार पिछले एपिसोड में मैंने कहा जैसे कि आप चिंतन कीजिए। चिंतन क्यों कीजिए? मैं एक अंग्रेजी कवि का एक उदाहरण देता हूँ, वर्ड्सवर्थ उनका नाम है, और उन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, और उसका अगला सेंटेंस का जो हिस्सा है वो है रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एकांत में ध्यान लगाकर शांति में अगर आप पीछे जो घटनाएं हुई हैं उसका अगर मीमांसा करोगे या उसके बारे में अगर सोचोगे, चिंतन करोगे, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी है। उदाहरण के तौर पे मैं ये कहता हूँ आपसे कि बिजली चमकी, आंखें बंद कर गई। ये जो दो लाइनें हैं इसमें कविता है नहीं, ये जो घटना घटी है
उसका आकलन हुआ है और साक्षर होने के नाते मैंने उसको अक्षरबद्ध कर दिया और कहा कि बिजली चमकी और आंखें बंद कर गई। लेकिन मेरा चिंतन चलता रहा, उसी बिजली के चमकने पर मेरा चिंतन अगर चलता रहता है तो फिर आगे और एक लाइन और एक वाक्य निर्माण होता है और कविता वहाँ से शुरू होती है। ये जो दूसरी लाइन तैयार होती है उसे प्रतिभा कहा गया है। पहले जो लाइन है जो मैंने कही आपसे अभी कि बिजली चमकी आंखें बंद कर गई, ये केवल भा है। भा का मतलब बुद्धि, ज्ञान प्रकाश, केवल बुद्धि। और उस बुद्धि को जो आकलन हुआ उसको अक्षरबद्ध कर दिया तो ये पहली लाइन आ गई। लेकिन मेरा चिंतन चलता रहा उसी लाइन के ऊपर और फिर उसके बाद दूसरी लाइन तैयार हो गई मेरे मन में चिंतन करने के पश्चात, और वो है फिर एक बार बिजली चमकी आंखें बंद करने के बाद भी। ये जो फिर एक बार बिजली चमकी आंखें बंद करने के बाद भी, आज आप करके देखिएगा मैं जो कह रहा हूँ। आपके घर में अगर ट्यूबलाइट लगी है या दिया जल रहा है तो दिए की तरफ देखिए, आंखों को दिखाई देगा। आंख बंद करो, जैसे ही पलक झपकेगी आपको वो दिया दिखाई देता है। वो जो ट्यूबलाइट की लाइन है वो आपको दिखाई देगी। करके देखिए प्रवचन खत्म होने के बाद। क्या है ये? ये दूसरी बार जब दिखाई देना है उसे प्रतिभा कहा है। वो सत्य है नहीं, लेकिन भा बुद्धि जो है उसी तरह से और कुछ तैयार होता है और उसे प्रतिभा कही है। ये जो प्रतिभा है ये निर्मिति क्षम है, ये सृजन है। और ये सृजन क्षमता अगर मनुष्य के पास होगी तो विश्व शांति की ओर जाना आसान हो जाएगा। और इसलिए ज्ञानेश्वर जी पसायदान में ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे क्रिएटिव लोगों का उद्यान हो। जितने निर्मितिक्षम कलाकार हैं उनका इकट्ठा आना आवश्यक है। वो इकट्ठा आएंगे तभी बात होगी। अवतार का ये नया रूप है। जो मनुष्य है, जो साक्षर है और जो सरस है, जो सरस है वो कलाकार होगा, जो केवल साक्षर है वो कलाकार नहीं होगा। और इसलिए ये जो रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी है, बार बार चिंतन इसलिए करना है कि उससे कुछ और निकल आएगा जो हमें शांति की ओर ले जाएगा। जैसे कई गायक, अगर ये प्रवचन सुनने वालों में गायक है जो तानपुरा पे गाना गाते हैं, तो ये जो तानपुरा है वो लगाने के बाद अगर उसकी जो ताराएं हैं वो अगर सही लगी, सही सुर में लगी, तो उससे और एक स्वर सुनाई देता है और वो है गंधार। जब कहते कि अरे बढ़िया, जो तानपुरा लगाया गया है वो बहुत बढ़िया है, अब गंधार सुनाई दे रहा है। सच्चाई है कि जो तानपुरा है उसमें गंधार स्वर है नहीं, लेकिन जो चार स्वर हैं सा प प सा, उनका इकट्ठा अच्छी तरह आने के बाद गंधार निकलता है। ये गंधार निर्मिति है। वैसे मनुष्य के बुद्धि में भी उसकी जो प्रतिभा है वो निर्मिति क्षम रहती है। और ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि अगर पूरे विश्व को अगर शांति चाहिए तो उस शांति के तरफ जाने के लिए हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो क्रिएटिव है। पहले वाले श्लोक में उन्होंने कहा था कि ईश्वर निष्ठ चाहिए, लेकिन ये अगली अपेक्षा है मनुष्य की तरफ से, आपसे अपेक्षा है, मुझसे अपेक्षा है। क्या है? हम क्रिएटिव रहें, सृजन रहें, सृजनशील रहें। और ये क्रिएटिविटी अगर हम लोगों में होगी तो ये अवतार का नया रूप है। फिर क्या होगा? फिर चेतना चिंतामणि का गांव बसे। अगर ऐसे कल्पतरु उद्यान से निकलेंगे, मतलब हम सब अपने अपने दिमाग में इस क्रिएटिविटी का ख्याल करें, हम चिंतन करें और हमारे निजी जीवन में ऐसे कला स्वरूप हमारे जीवन को भी देखें, तो अपने आप आपकी जो इच्छाएं वो पूरी होती जाएगी। ये जो अगला चरण है, चेतना चिंतामणि का गांव बसे, इस चिंतामणि शब्द के पीछे एक कथा है। और वो कथा ऐसी है कि ये जो मणि है, ये मणि अगर किसी के पास हो तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। वो जो भी चाहे वो उसे मिल जाएगा। इसलिए उसकी जो भी चिंता है तो चली जाएगी और उसे जो चाहिए वो उस मणि के पास अगर मांगे वो उसे मिल जाएगा। वो चिंतामणि नाम का एक मणि है। और कथा ऐसी है कि ये भगवान शंकर ने एक साधु को दे दिया।
साधु ने कहा, मैं लेके क्या करूं, मुझे तो ये कुछ नहीं चाहिए। पुराने जमाने के साधु ऐसे कहते थे आज के साधु शायद ही ऐसे कहते होंगे, लेकिन पुराने जमाने में उस वक्त साधु ने कहा, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे बस ईश्वर चिंतन काफ़ी है, मेरे लिए साधना काफ़ी है, मुझे मणि की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भगवान शंकर ने कहा, ठीक है फिर उस आदमी को ये मणि दे दो जो सबसे गरीब है, जो सबसे गरीब है, जिसके मन में लोभ है, जिसको कुछ ना कुछ चाहिए हर वक्त, उस भिखारी को ये दे दीजिए। तो चलो साधु निकले ढूंढने के लिए उस आदमी को, अब मणि हाथ में लेकर। तो उन्होंने जाके भिखारी से कहा, ये लो चिंतामणि ले लो और जो चाहिए वो मांग लो, कुछ भी मांगो आपको मिल जाएगा, आपको घर चाहिए, महल चाहिए, क्या चाहिए वो मांग लो। तो भिखारी हंस पड़ा। भिखारी ने कहा, माफ़ करना साधु महाराज, मुझे दो वक्त की रोटी चाहिए, मुझे ये सब आवश्यकता नहीं है, मैं जो मांग रहा हूँ वो केवल दो वक्त की रोटी है, ये मणि लेके मैं क्या करूँ, ये मणि के नाम में ही चिंता है तो उसको लेके क्या करूँ मैं। तो भिखारी ने ना कह दिया। कई भिखारी ढूंढे साधु महाराज ने, लेकिन हर वक्त यही कहते रहे कि हमें बस दो वक्त की रोटी चाहिए। ऐसे करते करते साधु महाराज ढूंढते रहे, अलग अलग नगर में गए, सबको पूछते रहे कि सबसे ज़्यादा मांगे किसकी है। ऐसे पूछते पूछते गए और आखिर में पहुँचे राजा के पास। उस नगर का जो राजा था, उस राजा की मांगे बहुत थी। तब ये उसके पास गए और उन्होंने कहा कि ये मणि देने के लिए कहा है भगवान शंकर जी ने, चिंतामणि है, और जो आपको चाहिए वो इस मणि से मांग लो, आपको मिल जाएगा। और राजा भी खुश हो गया। लेकिन कथा का जो तार्किक अर्थ है, वो अर्थ ऐसा है कि जो सबसे अमीर था नगर में, जो सबसे धनवान था, जिसके पास सत्ता थी, अधिकार थे, वही सबसे बड़ा भिखारी निकला। देखिए कहने का मतलब ये रहा, ये जो चरण है ज्ञानेश्वरी में, उसके पीछे ये कथा है। ऐसे कई श्लोक है ज्ञानेश्वरी में जिनके पीछे कुछ ना कुछ कथा है। तो ये कथा, इस चेतना चिंतामणि, ये जो चेतना चिंतामणि है, उसके पीछे ये कथा है। कहने का मतलब ये रहा कि अगर आपकी इच्छा पूरी करनी हो तो ऐसे कोई मणि अस्तित्व में है नहीं, आज तो पता नहीं कलयुग में, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर सभी लोग कल्पतरु जैसे बर्ताव करेंगे, शांति से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर अपनी कृति करेंगे, जो भगवद गीता में कहा गया है सांख्य योग है ये, तो सांख्य बन जाएंगे, कल्पना करेंगे और फिर उस कल्पना पे विचार करके फिर अपनी कृति करेंगे, तभी प्रतिभा निर्माण होगी और ऐसे लोगों का उद्यान तैयार करना है। विश्वात्मक भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें ऐसे लोग दे दो जो क्रिएटिव हैं, जो सज्जन हैं और क्रिएटिव भी है। और इसलिए ये जो श्लोक है, जिस श्लोक में हिंदी रूपांतर में मैंने कहा है कि कल्पतरु चले उद्यान से, चेतना चिंतामणि का गांव बसे, ऐसे लोग अगर इकट्ठा आते जाएंगे तो वो गांव, जिस गांव में कोई चिंता ही नहीं है, हर एक के चेहरे पे तृप्तता है, हर एक के चेहरे पे वो समाधान है, वो सुख है जो हम चाहते हैं। और उससे क्या होगा, अगर मन में सुख होगा तो वाणी में भी सुख होगा। तो ये जो वाणी है, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, उस वाणी में क्या चाहिए, तो लहरे चले वाणी सागर से अमृत की। मराठी की प्राकृत पसायदान में लिखा है, बोलते से अर्णव पीयूषाचे, अर्णव यानी समुंदर, सिंधु, और पीयूष का मतलब है अमृत। तो हम जब बोल रहे हैं तो हमारे मुख में वो अमृत होना चाहिए। एक दूसरे से अगर हमें दोस्ती करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे के साथ अगर दुख बांट के लेना है या सुख बांट के लेना है, तो हमारी जो जुबा है उस जुबा पे अमृत चाहिए, वो मिठास चाहिए जिससे बात बनेगी और एक दूसरे से नाता जुड़ जाएगा। आज झगड़ा कब होता है आपको पता है? घर में भी झगड़ा होता है। वो क्यों होता है? शब्दों में कुछ नहीं रहता, दर्शकों ध्यान में रखो, शब्दों में कुछ नहीं रहेगा, शब्द के पीछे जो सुर है ना, उसमें गड़बड़ है। अभी चलो घर में सब लोग हैं, परिवार के सब लोग हैं, और पत्नी ने रसोई घर से आवाज़ दी, अजी सुनते हो, ऐसे आवाज़ देने के बाद अगर यहाँ से पतिदेव कहते हैं क्या है, ऐसे अगर कहते हैं, तो वैसे देखा जाए तो क्या है, इस शब्दों में कुछ नहीं है झगड़ा करने लायक। फिर झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा होता है वो क्या है, ये जो सुर पीछे लगा है ना,
उसके पीछे। मैं तो कहता हूँ 95% झगड़े इस सूर जो है ना उस पर निर्भर करते हैं, उससे तैयार होते हैं ये सब झगड़े सूर की वजह से। इसलिए अमृत होना चाहिए। और सागर की बात इसलिए है कि सागर जो है वो अमृत की माता है। इसलिए बोलते थे अर्ण व पीयूषच, ऐसे मराठी में कहा है, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि लहरें निकले वाणी सागर से अमृत की, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ तब अमृत निकला है वहाँ से। और अमृत कब निकला है, तो पहले जहर निकला है और फिर अमृत निकला है। हम तो ऐसे कहते हैं अक्सर कि जहर होने की वजह से अमृत बाहर आने की जो राह थी वो आसान हो गई, क्योंकि पहले जहर निकल गया। तो ये जो वाणी है हमारी के साथ, ये जो प्रवचन हम कर रहे हैं, उसके पीछे राज यही है। क्या राज है? मुख में क्या चाहिए? मुख में अमृत चाहिए। क्यों? संवाद होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन का क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद। क्यों संवाद है? संवाद तभी होगा जब दोनों के मुख में, सुनने वालों के मुख में भी और बोलने वाले के मुख में भी अमृत होगा। क्यों ये मांग की है? क्योंकि मैंने जैसे पिछले एपिसोड में कहा कि वाणी की देवता जो है, तो वाणी की देवता कौन है? वाणी की देवता है अग्नि। और उस अग्नि को अगर शांत रखना होगा तो हमारे मुख से जो बातें की जाती हैं एक दूसरे से, वहाँ अमृत की आवश्यकता है। अब ये 3.5 चरण जो है इस श्लोक के, वो इकट्ठा हम सुनेंगे, तो देखिए कैसे क्रम में ये पसायदान मांगा जा रहा है। और उस क्रम में हमें ये दिखाई देता है कि पहले कौन चाहिए। अगर मनुष्य है तो कल्पना जो कर सकता है, सत्य संकल्प का दाता नारायण, संकल्प वही कर सकता है जो ज्ञानी है, संकल्प वही कर सकता है जो चिंतन करता है, संकल्प वही कर सकता है जो सरस है। और ये सरस होना जो है, इसका बहना जो है, वो बहना हमें विश्व शांति की ओर ले जाएगा। और इसीलिए आजकल के ज़माने में हम जब घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो कई बार ऐसे लगता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उसमें कला होनी चाहिए। छोटी चीज़ों में भी अगर हम कला निर्मित का विचार करें तो ज़िंदगी सुलभ हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, ज़िंदगी जैसे अमृत हो ऐसे लगने लगती है। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, उस शब्दों में भी कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए। शब्दों के माध्यम से, शब्द भी क्या चुनते हो उस पर निर्भर करेगा जब आप एक दूसरे से बातें करते हो। देखिए एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल तो है अंग्रेजी शब्द का, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। एक सादा सा उदाहरण है, और वो उदाहरण है जब हम कार खरीदते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि हमारी उतनी औकात नहीं होती कि हम नई कार खरीदें, तो इसलिए हम जिसने पहले कार इस्तेमाल की है उसी कार को हम खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं? सेकंड हैंड कार अंग्रेजी में कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सेकंड हैंड जो शब्द है उसमें जो खरीदार है वहाँ डिवैल्यूएशन हो जाएगा उसका, कि थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं ये सेकंड हैंड है, इसमें ज़्यादा महत्व नहीं है उसको, ऐसे लगता है। लेकिन सेकंड हैंड की जगह हम दूसरा कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बात बनती है। और मैंने देखा है आजकल एक नया शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके कहते हैं प्री ओन्ड कार, मतलब पहले किसी ने इस कार पे मालकियत थी जिसकी, ऐसी कार, तो इसे कहते हैं प्री ओन्ड कार। अभी देखिए प्री ओन्ड कार में वो निर्वचना नहीं आती जो सेकंड हैंड में आती है। बिल्कुल सादा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसलिए दे रहा हूँ कि तसल्ली जो है मन को मिलने वाली वो शब्दों के माध्यम से मिलती है। और शब्द कब तैयार होंगे अच्छे? जब आप चिंतन करोगे तब शब्द तैयार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इसीलिए ये जो पहला चरण है इस श्लोक का, उसमें ये जो कल्पतरु है, ये क्या हम बन सकते हैं? आप बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ क्या करना है? शांति से चिंतन करना है। जैसे कि उस अंग्रेज कवि ने कहा है कि रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। भारतीय अध्यात्म का यह सूत्र है, क्या है वो? चिंतन करना है। और ये चिंतन करोगे तब ये जो कल्पना विलास है, ये जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा मनुष्य को
मनुष्य के तौर पे एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के लिए, मित्रता प्रस्थापित करने के लिए बहुत अहम महत्व रखेगी। और इसलिए विश्व शांति संवाद माला, ये शीर्षक में भी संवाद ये शब्द इसीलिए है कि मैं आपके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ आया है और मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। क्योंकि सुन लो ये बात, क्यों विश्व शांति की तरफ जाना है? ये जो पसायदान है संत ज्ञानेश्वर जी का, वो उसी विश्व शांति की मांग कर रहे हैं। और इसलिए अगर ये सब निर्मित क्षम लोग इकट्ठा आएंगे तो हम उसे अवतार कहेंगे। कलयुग में अवतार की जो व्याख्या है वो यही होगी कि जो लोग ईश्वर निष्ठ हैं और सृजनशील हैं उनको इकट्ठा आना है। आजकल ये हो रहा है कि जो कलाकार लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, हम कहते हैं उनको कि प्रतिभा के तौर पे क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन सामाजिक तौर पे उनका जो आचरण है उस आचरण में वो ईश्वर निष्ठता नहीं दिखाई देती। वो जो मार्दव होना चाहिए, वो सॉफ्टनेस होना चाहिए, आचरण में सॉफ्टनेस होना चाहिए, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि जो कलाकार है, जो साक्षर है और कलाकार है, उसके आचरण में अगर ये बात आ जाएगी, कौन सी बात आएगी, चिंतन की बात आ जाएगी और वाणी में अमृत की बात आ जाएगी, तो एक दूसरे के साथ जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं वो ज़रूर होगी। हम कई बार अलग अलग देशों के नेता इकट्ठा आते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करने के बाद वो जो इंटरप्रेटर है बीच में, अगर भाषा समझ में नहीं आ रही तो वो जो उसको दुभाषी कहेंगे, वो एक दूसरे से साथ बात करते हैं उसके माध्यम से। अब क्या होता है, एक दूसरे के साथ बात करते हुए तीसरे आदमी का अगर आधार लिया जाएगा तो स्वाभाविक है ये बोलने वाले के मन में जो कल्पना है, बोलने वाले के मन में जो सुर है, वो सुर उसके माध्यम से वहाँ नहीं जाता। फिर क्या होगा, उसको जनरेशन लॉस कहते हैं कि जो इसके मन में जो बात है वो बात उसी घनता के साथ, उसी परिणाम के साथ दूसरे के मन में नहीं जाती, दूसरे के कानों में नहीं जाती। अंग्रेजी में उसे जनरेशन लॉस कहा गया। आप टीवी चलाते हो, आप टीवी में देखो तो बीच में जो इश्तेहार बजते हैं वो बड़े ज़ोर से बजते हैं और ऐसे लगता है कि अरे इतना बड़ा क्यों रखा है वॉल्यूम। तो बड़ा वॉल्यूम नहीं रखा है, वो इश्तेहार जब रिकॉर्ड किया जाता है तभी बड़ा वॉल्यूम रखते हैं, क्योंकि उसको बार बार टीवी पे दिखाया जाता है और बार बार दिखाने की वजह से उसकी जो ताकत है वो कम होती जाती है। वैसे अर्थों का भी है। अब देखिए भगवद गीता का उदाहरण लेते हैं कि भगवद गीता में संवाद हुआ श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच। वो संवाद महल में बैठकर सुना किसने, संजय ने, और संजय ने वे सुनकर कहा किससे, धृतराष्ट्र से। लेकिन भगवद गीता का अर्जुन पे जो परिणाम हो रहा है वो धृतराष्ट्र पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, जनरेशन लॉस आ गया। कलयुग में जब हम इस श्लोक का विवरण करेंगे उसमें ये बात ध्यान में रखिए, अमृत का मतलब क्या है, अमृत का मतलब है चैतन्य। चैतन्य मेरी भाषा में होना चाहिए, चैतन्य मेरे शब्दों में होना चाहिए। अमृत अगर मेरी भाषा मृतवत है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए द्वापर युग में कहे गए भगवद गीता के आधार पर संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी कही, उस ज्ञानेश्वरी के समापन में उन्होंने ये पसायदान विश्वात्मक भगवान से मांगा है, उसमें ये जो कलयुग का हिस्सा है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। आजकल जब ये बात कही जाती है, अध्यात्म कहा जाता है, तत्वज्ञान कहा जाता है, तब जब वो कहा गया उसी समय की कथाएं सुनाकर, उसी समय का अर्थ सुनाकर आज उसका फायदा नहीं होता। आज हमें उसका, आज का क्या फायदा है उसके बारे में सोचना होगा। तो जब हम ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें छुपा हुआ जो गूढ़ अर्थ है, गुह्य अर्थ है, उसकी तरफ जाना है। मैं आपको वही लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे क्या है। ये जो अमृत की भाषा, लहरे चले वाणी सागर से अमृत की, क्यों अमृत की, तो उस वाणी सागर में, उस वाणी में वो चैतन्य चाहिए, वो जिंदा दिली चाहिए वाणी में, तभी बात होगी। सुबह मिलने के बाद शुभ प्रभात, नमस्कार,
इस तरह से एक दूसरे को संबोधित करना ज्यादा अच्छा होगा, क्यों नहीं करेंगे ऐसा। वाणी में चैतन्य होना चाहिए और ऐसी चैतन्य में ही भाषा होगी तो वो अमृत बनेगी। और उससे क्या होगा, उससे मनुष्य को इकट्ठा लाना आसान हो जाएगा। और वही मकसद है, और कुछ मकसद नहीं। कोई भी श्लोक ले लो, कोई कथा ले लो, आप महाभारत ले लो, भागवत ले लो, रामायण की कथाएं ले लो, आज हम इन कथाओं के माध्यम से, इस ग्रंथों के माध्यम से क्या अंतिम साध्य क्या चाहते हैं। अंतिम ध्येय एक ही है साधकों, और वो है बैर जाना, एक दूसरे के साथ जो स्पर्धा चल रही है, ईर्ष्या चल रही है, वो खत्म हो जाना। और वो कैसे मुमकिन होगा, विनाशाय च दुष्कृताम या विनाशाय च दुष्कर्ताम। वो मुमकिन होगा विनाशाय च दुष्कृताम, और वो दुष्कृति का विनाश करने के लिए, दुष्टता का विनाश करने के लिए सुष्ट लोगों का उद्यान होना है, सुष्ट लोगों ने इकट्ठा आना है। जो सज्जन है उनका इकट्ठा आना आवश्यक है, और केवल सज्जन है नहीं, नहीं नहीं, केवल सज्जन नहीं, वो सर्जनशील भी होने चाहिए। और ये मांग है, केवल सज्जन आदमी जो है तो कभी कभी वो, मैं तो कहता हूँ वो सज्ज नहीं है, सज्ज न, जो सज्ज नहीं है वो सज्जन, ऐसे नहीं चाहिए हमें। उसके लिए एक पर्याय चाहिए, उसके लिए एक अल्टरनेटिव काम चाहिए। अंग्रेजी में एक बढ़िया वाक्य है, ओनली प्रीचिंग गुड वैल्यूज इज नॉट इनफ, ओनली प्रीचिंग गुड वैल्यूज। अब मैं जो कह रहा हूँ या इस चैनल पे जो चलता है वो, हम गुड वैल्यूज सिखा रहे हैं, बट ओनली प्रीचिंग गुड वैल्यूज इज नॉट इनफ। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज एन अल्टरनेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पर्याय है, दूसरी व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करनी है, और वो कलयुग के लिए जो आधारित है, कलयुग के नियमों के ऊपर आधारित है, वैसी होनी चाहिए। और वो गुह्य अर्थ है इन सभी श्लोकों का, और वो व्यवस्थापन प्रणाली की कोशिश कर रही है हमारी यह विश्व शांति संवाद माला। अंतिमता आप सोचिए, प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ करार जी के इंजीनियरिंग कॉलेज में, MIT में, जो अब चौथा दशक चल रहा है जिस संस्था का, उस दशक में क्या जरूरत है संत ज्ञानेश्वर जी का स्टैचू कैंपस के बीचों बीच प्रस्तावित करने की। उसकी वजह यही है जो मैं कह रहा हूँ, कि केवल जो ज्ञान है, केवल जो साक्षरता है, उससे बात नहीं बनेगी। केवल साक्षरता मतलब विद्वान और कलाकार, इसमें फर्क है। ज्ञान का संचय है लेकिन बहता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान का संचय नहीं होना चाहिए, ज्ञान की सरिता होनी चाहिए, ज्ञान बहना चाहिए। ज्ञान बहता है तभी शुद्ध रहेगा, संचय में वो शुद्ध रहेगा ऐसे हमें नहीं लगता। और इसलिए ये जो श्लोक आज हमने लिया था आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, वो बिल्कुल अहम महत्व का क्यों है, वो आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा था पिछले 30 मिनट से। इसलिए देखते रहिएगा विश्व शांति संवाद माला, प्रसादान के जो अगले श्लोक है उसके बारे में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।